यात्रा के बाद कैसे इस यात्रा का उपलब्धि को संगठन का रूप में कैसे इसको इस्तेमाल किया जाएगा, इस बारे में कार्यक्रम अनाउंस भी हुआ था। वो देखेंगे हम 26 जनवरी के बाद जब यात्रा खत्म हो जाएगी, उसके बाद कैसे इसको यूज करेंगे। एक बात मेरे को सबसे बड़ा चाहिए, जो राहुल गांधी के बारे में जो सबसे बड़ा शिकायत है कि राहुल गांधी का पॉलिटिक्स में कंटिन्यूटी नहीं है और सीरियस नहीं है। वो इमेज तो अभी बदल गया है, लेकिन लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, अगर ये जो सुन रहा हूं 25 से 30 तारीख तक ईयर एंड का जो एक यात्रा, उसमें स्थगित रहेगा, ब्रेक रहेगा, मुझे लग रहा है ब्रेक का दौरान राहुल गांधी को खुद अपने आप को आकलन करना चाहिए। अगर ब्रेक भी देते हैं, ब्रेक देना जरूरत है वो अलग बात है, क्योंकि वो खुद पैदल चल रहा है, इसलिए उसमें एक आकलन करना चाहिए, एक रिव्यू करना चाहिए, ताकि अगर ऐसे कोई मैसेज ना कि व्हाट्सएप में आ जाए कि राहुल गांधी विदेश चला गया, वो फिर नुकसान, फिर से आप जब यात्रा शुरू होगी जनवरी में, फिर से आपको जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे लगता है कि जो सीरियसनेस अभी तक जो देखा हम लोगों ने, जो कंटिन्यूटी देखा, ये कंटिन्यूटी को रहना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं, बाकी लोग बाकी कुछ स्टेटों में यात्रा हुआ है, जैसे आसाम में हुआ है, उसका कोई प्रचार नहीं है। वो यात्रा के दौरान तो कांग्रेस का अपने अंदर का दोनों गुटों में झगड़ा भी हो गया था बहुत ज्यादा। अभी जैसे बंगाल में 28 दिसंबर से शुरू होने वाला है, बहुत सारे स्टेट में अलग अलग होना है, तो ये देखना है कि तब वो स्टेट लीडरशिप कैसे यात्रा को ले रहे हैं, जो वार्ता जो मैसेज देना चाहते हैं भारत जोड़ो का राहुल गांधी ने, जो कांग्रेस कैसे भारत को देखना चाहते हैं, भारत कैसे रहा, कैसे होना चाहिए। ये कांग्रेस का सिर्फ नहीं, कांग्रेस का बाहर भी जो जितना उदारवादी लोग है, लिबरल लोग है, जो भारत का संविधान का जो वैल्यूज है उसमें विश्वास करते हैं, वो भले ही कांग्रेस पार्टी का सपोर्टर नहीं भी हो, फिर भी वो विचारधारा में सहमत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये अभी देखने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए अभी फाइनल कोई बात बोलना कि हाँ कामयाब हो गया है, ऐसे मैं नहीं बोलूंगा। मैं बोला कामयाबी के और एक शुरुआत हुई है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ 100 दिन के बाद एक शुरुआत हुई है। ये शुरुआत आखिरी श्रीनगर में जब खत्म होगा तब तक देखा जाएगा, तब तक आकलन करना पड़ेगा कि क्या हुआ फाइनली। मुकेश जी, यूसुफ साहब, कांग्रेस के अंदर ये 100 दिन कैसे देखे जा रहे हैं?